हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी नवरात्रि सभी को। माता रानी सबके घर में खुशियाँ लाए। और आप लोग सब मेरे लिए भी प्रार्थना करना भगवान से कि नवरात्रि में मेरे घर भी खुशी आए। और आप लोगों ने चाय पी ली या नहीं पी? सुबह सुबह मैं चाय पी के अभी थोड़ा बाहर घूमने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए और घर में वो चीज़ होती नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा बाहर घूम रही हूँ। मौसम ठंडा लग रहा है। ये देखिए यहाँ के पीछे का रही हूँ मैं बाहर। अभी मैं घूम ली और अभी मैं जा रही हूँ वापस घर पे, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया बाहर आ गया, एक घंटा हो चुका है, इसीलिए अभी मैं बाहर थी। मैं जा रही हूँ वापस घर, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। धूप निकल आई है, आँखों में आ रही है। बहुत सारी मलाई पड़ी थी तो मैंने तो अभी निकाला है। अभी देखिए मक्खन, किस किस को खाना है मक्खन, आ जाइए आप लोग, क्योंकि मैं मलाई इकट्ठी करके फिर घी बनाती हूँ। बहुत सारा मलाई इकट्ठा हो गया, मैंने कर ली। बर्तन पड़े हुए इधर बाद में साफ करूँगी। अभी खाइए इतना मेरे को। और आज मैं जाऊँगी कहीं बाहर, कहाँ जाऊँगी आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आप लोग देखिए मैं कहाँ जाती हूँ, आज सब चीज़ दिखाऊंगी। आज मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने के लिए जो, और ये देखिए आज मेरा किचन बहुत गंदा लग रहा होगा आपको। ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ बर्तन पड़े हुए हैं और ये जो मलाई का मैं काम कर रही हूँ उसके बर्तन होंगे, बाकी तो मेरा किचन क्लीन है। देखिए आप लोग, अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। अभी जाना है मुझे छत पे कपड़े सुखाने, धूप बहुत तेज है, फिर भी जाना पड़ेगा मुझे। और आज थोड़ा जुकाम जैसा लग रहा है मेरे को। और बाकी काम सारा आज मैंने फ्री कर लिया। देखो ये मेरा घर कैसा लग रहा है आप लोगों को सबको। वो श्याम बाबा हमारे हमारे नहीं सबके श्याम बाबा की जय हो। और ये छोटा सा प्यारा सा मेरा घर जो बिल्कुल एकदम मैंने सुरक्षित करके रख दिया है, अभी एकदम साफ सुथरा लग रहा होगा आपको। और गुन्नू हमारे उधर मोबाइल देख रहा है, तोता मेरे पिंजरे के अंदर खेल रहा हूँ। बाकी सब मैंने काम कर लिया, अब काम से फ्री हो चुकी हूँ मैं। अभी कोई काम नहीं है, अभी जाऊँगी छत पे कपड़े सुखा दी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ओके, मैंने सुखा लिए कपड़े और मेरा काम हो गया। अभी अभी मैं जा रही हूँ नीचे, गर्मी बहुत लग रही है इधर। अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ से हमारा काम फ्री हो गया है। अभी कोई काम है नहीं हमारे, इसीलिए मैं जा रही हूँ नीचे। और यहाँ बैठी हुई है बहुत दूर, छिपक गई है कि मैं डरूँ। और ये पता नहीं कहाँ से निकल के आती है, और जब मैं छत पे आती हूँ ना तभी ये बैठती है यहाँ पे आके। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, वहाँ मंदिर में अंदर फोटो क्लिक नहीं करने देते और वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी मैं आई हूँ दूसरे मंदिर, वहाँ के दर्शन करवाती हूँ आपके। देखो ना कितनी अच्छी झोपड़ी है, ऐसी भी लगा रखा है, अच्छा बना रखा है ना यहाँ पे। चलो यहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, देखो वो शानदार बना रखे फलाहार व्यवस्था। कितनी प्यारी जगह है देखो यहाँ पर। हाँ अच्छी जगह है ना गुन्नू।
इतनी ठंडक है यहाँ ऊपर नहीं जाते ना। नहीं ऊपर नहीं जाते। कितनी अच्छी जगह है ना गुन्नू, अच्छी लगी तेरे को? अच्छा जगह तो अच्छी है, शांतिपुर की तरह है तो। हाँ बहुत अच्छी मस्त जगह है यहाँ पे, शांतिपुर की तरह है। ये देखिए कितनी प्यारी जगह है, यहाँ पे एक ऋषि जी, ऋषि महाराज जो भी बोले रहते हैं, ऋषि मुनि, ये उनकी कुटिया है ऊपर जो अभी दिख रही थी आपको, और मैं आई हुई हूँ आज यहाँ पे घूमने के लिए। देखो नो इतनी प्यारी जगह है, देखिए भगवान के दर्शन करिए आप लोग भी। यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी पधारने वाले हैं, ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लिए इस जगह के। ये गौशाला का ये बना हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे कथा होने वाली है जिसमें ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पधारेंगे, दिव्य दरबार वाले, हम लोगों को भी देखने को मिलेगा कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को हम लोग भी देखेंगे। ये गणपति का ये है, और ये यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका बोर्ड लग रहा है ये। आएंगे हम लोग भी आशीर्वाद लेने के लिए, आएंगे आप लोग भी आना। ये सब उल्टे दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने वीडियो ऐसे बना रही हूँ। तो कितनी प्यारी जगह है, आप लोगों को अच्छी लगेंगी लगी मुझे ज़रूर बताना। और धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे दिव्य दरबार से, उनका आशीर्वाद हम भी लेंगे। ये देखिए गुन्नू तेरे को कैसी लगी जगह? मेरा गुन्नू तो पहले भी आया हुआ है यहाँ पे, पर मैं पहली बार ही आई हुई हूँ यहाँ, और मुझे बहुत अच्छी जगह लगी, बहुत अच्छी जगह। चंडीपुर से तो बड़ा बड़ा की जगह है, यहाँ पे गौशाला भी है, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी आने वाले हैं, और अभी आ रहे हैं भिलवाड़ा में, ये उनका बोर्ड लग रहा है। और महाराज की कुटिया आपने देखी थी, वो महाराज यहाँ के ऊपर ही, उन्होंने पेड़ के ऊपर घर बना रखा और वो वहीं रहते हैं, नीचे बहुत कम रहते हैं, वो पेड़ के ऊपर ही उन्होंने कुटिया बना रखी है उनकी, और वो वहीं रहते हैं। ट्री हाउस हो गया मेरे बच्चे के लिए, वो ट्री हाउस में रहते हैं, मेरा गुन्नू बोल रहा है। और धूप एकदम सामने से आ रही है, चलिए और आगे जाके दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को। हमको रास्ते में प्रसाद मिला। गुन्नू कैसा लग रहा है? एक नंबर। तेरे को कैसा लगा रे? शानदार। हम रास्ते में प्रसाद लेके आने लगे, सबको प्रसाद बांट रहे थे वहाँ पे, जो आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद, बहुत मस्त लग रहा है। हम लोग आए हुए आज हल्दी महादेव, यहाँ पे भोले शंकर का मंदिर है, बहुत शानदार। आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊंगी, आप साथ सब जने मेरे साथ बने रहिए। ये नंदी बैठे हुए हैं यहाँ पे।